डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के के बोल बिगड़े उन्होंने जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन ऊपर टिप्पणी की और कहा कि जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई है वो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज डेमोग्राफी चेंज के लिए हुई है और उसके अलावा ओ ने और भी कई अन्य बातें कही इन्हीं सारी बातों को सुनने के बाद भारत सरकार ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को ये कहा कि आप अपनी हद में रहें आपको भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है ने concern, उन्होंने जताया इस बात के कि जो भारत सरकार ने इलेक्टोरल जम्मू कश्मीर की इलेक्टोरल बाउंड्रीज को चेंज करने का काम किया है और सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट में यह कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का, का जो ओआईसी का जो जनरल सेक्रेटरीट है उसने जबरदस्त कंसर्न जताया है इस बात के ऊपर कि भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल बाउंड्रीज को बदलने का काम कर रही है और इलेक्टोरल बाउंड्रीज बदलकर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो टेरिटरी का उसको बदलने की कोशिश कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक को वायलेट कर रही है और ब्लॉक ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा उन्होंने भारत जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर में राइट टू तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है हम उसके साथ हैं उसके अलावा उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी इससे पहले पास किया था ये सब कुछ होने के बाद भारत सरकार ने इस पर रिएक्ट किया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को यह कहा कि आपको भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है और यह भी कहा कि जो आपका ये कम्युनल एजेंडा है एक देश के कहने पर जो आप कर रहे हैं इस कम्युनल एजेंडे को फौरन बंद करें इस कम्युनल एजेंडे के तहत जो कुछ आप कह रहे हैं हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत का ये जबरदस्त रिएक्शन ओआईसी के इस क्रिटिसज के बाद आया और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ओ के सेक्रेटरियट की इस बयान पर हम हम डिस्मेड हैं हम दुखी हैं अनवॉरटेड कमेंट्स हैं उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी इतिहास में भी भारत सरकार ने ओ से जो भी कुछ कहा गया है उसे हमेशा रिजेक्ट किया है जम्मू कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इस अभिन्न अंग को लेकर कोई भी बात ओआईसी अगर करता है तो वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हस्तक्षेप माना जाएगा उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो ओ का कम्युनल एजेंडा है भारत को लेकर एक देश के कहने के ऊपर यानी साफ तौर पर इशारा पाकिस्तान की ओर था उस कम्युनल एजेंडे को आगे बढ़ाने से ओ को परहेज करना चाहिए तो साफ तौर पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को यह कहा गया है कि आप पाकिस्तान की ईमा पर पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो ये ट्वीट्स कर रहे हैं या जो बातें आप कर रहे हैं वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा और आईसी ओ को ये समझा दिया गया है कि आपको भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए आपकी जितनी हद है आप उस हद तक रहें और भारत के आंतरिक मामलों को लेकर और खासकर जम्मू कश्मीर जो भारत का एक अभिन्न अंग है उस अंग को लेकर आपको कतई कोई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए जिस कमेंट जो, जो कमेंट भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है ये भारत सरकार ने कहा है और पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस को लगातार पिछले चार साल से कोशिश कर रहा है कभी कोई स्टेटमेंट कभी कोई स्टेटमेंट कभी कोई स्टेटमेंट यहां पर आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में जितने भी देश हैं उनमें से ज्यादातर देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या तो कोई इनाम दिया है या जो उनका हाईएस्ट सिविलियन प्राइज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है वहीं पर पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है इन सब कोशिशों को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर इसे भारत इसे ओ कंटिन्यू करेगा इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यानी समझा दिया गया है ओ को कि आप जम्मू कश्मीर के मामले में बोलना बंद करें आप जम्मू कश्मीर के मामलों में बोलेंगे तो हम इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानेंगे और आप जो ये कुछ कर रहे हैं ये सब कुछ पाकिस्तान की ईमा पर कर रहे हैं